हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान कुल एवरीथिंग, जहां पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों आज भी मैं दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली इस वीडियो में। सबसे पहला जो टॉपिक है कि अगर हम इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे किसी को अगर अनफ्रेंड करते हैं या फिर अनफॉलो कर देते हैं तो हमें नोटिफिकेशन क्यों नहीं आती, बल्कि जब हम उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर उसके फ्रेंड को एक्सेप्ट करते हैं तब उसको नोटिफिकेशन आती है। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो जब हम PC यूज़ करते हैं तब जो उसका जो माउस होता है, उसका माउस जो पॉइंटर होता है वो लेफ्ट साइड में और अपर साइड में, जो विंडोज़ के लेफ्ट और अपर साइड में, वो हाइड नहीं होता, लेकिन जो राइट साइड में और नीचे के साइड में वो हाइड होता है। तो ये क्यों? सो इन दोनों चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हम इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे अगर किसी को अनफॉलो करते हैं या फिर अगर किसी को अनफ्रेंड कर देते हैं तो फिर उसको या फिर जो हमें करता है हमें नोटिफिकेशन क्यों नहीं आती। तो एक्चुअली में हम पहले जान लेते हैं कि ये क्या है। ये है सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, और सोशल मीडिया का काम है लोगों को एंगेज रखना, पॉजिटिविटी फैलाना। जैसे कि हमें पता है कि आजकल वैसे भी लोग ज़्यादा बिजी हो रहे हैं अपने वर्क में और ज़िंदगी में, लाइफ में, और इसलिए उनको ज़्यादा फ्री टाइम या फिर एंटरटेनमेंट नहीं मिल पाता। और इसी की वजह से सोशल मीडिया का इन्वेंशन शायद हुआ है, क्योंकि लोग अपने आप ही घर पे बैठ के एक छोटे से मोबाइल पे अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, एक टाइम पास कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचिए, अगर कहीं पे अगर अनफ्रेंड का एक ऑप्शन अगर दिया हो और अगर किसी इंसान ने अनफ्रेंड करने के बाद भी अगर आपको ऊपर आपको अगर नोटिफिकेशन है तो आपको कैसा लगेगा कि किसी इंसान ने मुझे अनफ्रेंड किया, किसी ने मुझे अनफॉलो किया? मतलब आपको एक अंदर से एक लगेगा कि यार इसने मुझे क्यों ऐसा किया, तो फिर एक दुख होता है। और यही सेम चीज़ अगर मैं कहूँ तो एक थोड़ा सा रिलेटेबल है कि जब आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे डिसलाइक का ऑप्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि पॉजिटिविटी फैलाया जाए, और डिसलाइक का मतलब होता है कि ना पसंद करना, नेगेटिविटी फैलाना। सो इसी की वजह से इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर जो आगे वाला होगा हमें नहीं पता कि आगे वाला मनोरंजन के लिए आया है यहाँ पे या फिर कुछ किसी और चीज़ के लिए। और अगर वो ऐसे देख के, अगर डिसलाइक का ऑप्शन देख के या फिर किसी ने अनफ्रेंड किया, अनफॉलो किया, ऐसे नोटिफिकेशंस आते रहे, उसको फिर अंदर से लगेगा कि भाई रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे भी ज़्यादा दुख है, और अगर मैं यहाँ पे भी दुख हूँ तो यहाँ पे भी मुझे दुख मिल रहा है, तो फिर मेरा उपयोग ही क्या है। और इसी वजह से शायद लोग इसको शायद डिलीट भी कर सकते हैं या फिर यूज़ करना छोड़ सकते हैं। और आपको पता है अगर यूज़ करना छोड़ देंगे तो फिर जो डेवलपर्स होंगे और जिनके वजह से ये जो सारे व्हाट्सएप फेसबुक चल रहे हैं उनका फिर आपको पता है क्या घाटा हो सकता है। तो इसकी वजह से वो नहीं चाहते कि किसी इंसान को बुरा लगे, और इसी की वजह से ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। अब डिसलाइक का ऑप्शन इसलिए भी नहीं दिया जाता सोशल मीडियाज़ में, क्योंकि हमने जैसे पता है, फॉर एग्जांपल आपने अगर देखा होगा कोई अगर छोटा क्रिएटर हो, क्योंकि बड़े लोग तो उनको कोई लाइक डिसलाइक से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं जो मतलब अभी अभी सोशल मीडिया पे आते हैं, उनको ऐसा मतलब एक भी अगर लाइक मिल जाए ना, हे भाई मेरे को एक लाइक मिला, लाइक मिला, वो खुशी होती है उनमें, खुश हो जाते हैं। और अगर वही सोचा अगर आपको कोई डिसलाइक कर दे या फिर कोई नेगेटिविटी फैलाए तो फिर उस इंसान को शायद अच्छा ना लगे, और शायद इसी की वजह से शायद मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग जाए इसीलिए नीचे लाइक भी कर दिया, थोड़ा सा अपने को भी अच्छा लग जाएगा। और हाँ, और ज़्यादा अगर आप पसंद करते हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर दो, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स लाता हूँ ना मैं, प्लीज़। सो हाँ, इसी की वजह से ऐसा होता है, और इसी की वजह से शायद सोशल मीडियाज़ में डिसलाइक का ऑप्शन नहीं दिया जाता या फिर अनफॉलो कर, क्योंकि किसी भी तरह से वो जो इन ऐप्स के जो क्रिएटर्स हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी वजह से इंसान को ऐसा लगे कि हमें दुख हो रहा है या फिर यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो माउस का जो पॉइंटर होता है वो लेफ्ट साइड में और अपर साइड में विंडोज़ के वो क्यों हाइड नहीं होता, लेकिन वही अगर राइट साइड में और नीचे के साइड में अगर हम देखें तो वो हाइड हो जाता है। तो एक्चुअली में बात क्या है कि हमें पता है कि वो एक स्क्रीन है, वो एक मॉनिटर है, वो एक डेस्कटॉप है, लेकिन एक्चुअली में पता है कि उसमें कई लाखों पिक्सल्स होते हैं जो एक स्क्रीन को बनाती है। तो एक्चुअली में होता है कि जो माउस का जो पॉइंटर होता है उसमें भी एक्चुअली एक जो एक पॉइंट होता है वो मेन एक पिक्सल की तरह काम करता है, और जिसके वजह से एक पॉइंटर का, माउस का जो पॉइंटर है वो किसी एक आइकॉन को या फिर कहीं पे भी हम उसको पॉइंट कर सकते हैं। और इसी की वजह से उसको शायद थोड़ा सा लेफ्ट साइड में भी इसलिए दिया गया है, क्योंकि वो जो हमें जैसे कि पता है वो जो माउस का जो पॉइंटर होता है वो लेफ्ट साइड से, मतलब अपर लेफ्ट साइड से अगर हम एक पॉइंट से अगर उसको मेजर करें तो वहाँ का जो वो कोऑर्डिनेट है, जैसे कि हमें पता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो होते हैं ज्योमेट्री में, जैसे उसी हिसाब से वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं
उसके हिसाब से वहाँ से वो शुरू होता है, वहाँ पे वो जो अपर लेफ्ट साइड में वो 0-0 करके कोऑर्डिनेट होता है, और वहाँ से जब आप दूसरे तरफ ले जाते हो तब तक वो वैसे ही चेंज होता रहता है, और जब आप राइट साइड में टॉप बॉटम में ले जाते हो तो आपने देखा होगा कि माउस का एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देता है, पूरा माउस का जो एक जो डिज़ाइन होता है वो एक्चुअली में नहीं दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि जो माउस का जो आगे वाला जो एक टिप होता है वही एक्चुअली में वो सारे जो डेस्कटॉप के एरिया को कैलकुलेट करता है, और इसी की वजह से अगर आप सोचो कि वही वो जो उतना सा जो एरिया पूरा माउस का रह जाएगा अगर वो वहाँ पे हाइड ना हो तो फिर जो उतना जो साइड की जो छोटी सी लाइन बन जाएगी रह जाएगी वो कैलकुलेट डेस्कटॉप नहीं कर पाएगा, और वहाँ के जो उसको क्लिकिंग्स होंगे वो क्लिक्स नहीं कर पाएंगे, और इसी की वजह से वहाँ का जो एक एरिया होता है उसको वो हाइड कर सकता है। और दूसरी चीज़ जो है कि हमें देखा आजकल जो मॉनिटर्स आते हैं वो हम दो दो तीन तीन मॉनिटर्स एक साथ लगा सकते हैं, डुअल मॉनिटर्स लगा सकते हैं, तो पीसी के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप जो मॉनिटर्स होते हैं वो एक्चुअल में राइट साइड को या फिर डाउन साइड को आप बढ़ा सकते हैं, ना कि लेफ्ट और अपर साइड को आप नहीं बढ़ा सकते। तो एक्चुअल में जो प्राइमरी जो मॉनिटर होता है वो एक्चुअल में हमेशा लेफ्ट साइड को या फिर अपर साइड को होता है, जो तो दूसरे जो मॉनिटर्स होते हैं सेकेंडरी मॉनिटर्स जो होते हैं जो एक साथ लगाए जाते हैं बड़ा स्क्रीन बनाने के लिए वो आप ज़्यादातर राइट साइड को और नीचे वाले साइड को लगा सकते हैं, और इसी के वजह से जो माउस का जो एक पॉइंटर होता है वो लेफ्ट साइड को और अपर साइड को हाइड नहीं होता क्योंकि वहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और बल्कि राइट साइड को और नीचे के साइड को हाइड होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया जो माउस का जो मेन होता है वो एक छोटा सा पॉइंट होता है जो सारे एरियाज़ को मेजर करता है और जो क्लिक करने में मदद करता है, दूसरे जो पूरा एक माउस का जो डिज़ाइन होता है एरो की तरह वो एक्चुअली में हमें दिखाई देने के लिए, और क्योंकि हमने देखा इतना छोटा सा पॉइंट हमारे आँखों को ठीक से दिखाई नहीं देगा, और इसी की वजह से माउस का एक बड़ा सा एरो बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वो बड़े से एरो का जो आगे का टिप है वो एक्चुअली में नेसेसरी होता है, और इसी की वजह से माउस का जो एक माउस के जो पॉइंटर्स हैं वो राइट साइड को और नीचे वाले साइड को हाइड हो जाते हैं क्योंकि उनका आगे वाला टिप ही ज़रूरी होता है और लेफ्ट साइड में नहीं ज़रूरत है क्योंकि वैसे भी वो आगे वाला टिप वहाँ पे टच होता है बॉर्डर्स को, और इसी की वजह से शायद माउस में ऐसा होता है। तो आई होप आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं आप देख रहे होंगे पिछले कुछ वीडियो से मैं दो दो इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में दे रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन छोटे हैं लेकिन इंटरेस्टिंग, और वैसे भी मैं वीडियोस दो दिन में एक बार बनाता हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ कि काश आपको एक वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, दोनों इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगे हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, और जैसे कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे हम पॉजिटिविटी फैलाए तो आप भी मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे मुझे फॉलो कीजिएगा, प्यार फैलाइए और लाइक भी कीजिएगा, थोड़ा सा लाइक करने पे अच्छा लगता है, ऐसे मैं आपको नए नए कंटेंट्स लाते कर देता रहूँगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।